लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनमें होने वाली अरबों खरबों रिएक्शंस, इतनी सारी रिएक्शंस, एक नन्ही सी जान, एक स्टूडेंट आखिर इतनी सारी रिएक्शंस कैसे प्रिपेयर करें। और हमेशा एक सरदर्द रहता है और बच्चे हमेशा पूछते हैं, सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे रिएक्शंस हम इजीली प्रिपेयर कर लें। तो उसी के लिए आज मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस तैयार करते हैं। और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है और वो देखिए आपको लिंक में दिख रहा है आई में, वहाँ पर जाइए और आप जाके उस वीडियो को भी पढ़िए। तो आज मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन मैंने फिर पूरे सारे कंपाउंड्स में दिमाग लगाया और दिमाग लगा के मैंने ये एक ऑक्टेट तैयार किया, ऑक्टेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप जानते हो कि ऑक्टेट का रिश्ता क्या होता है केमिस्ट्री के साथ में। तो जैसे एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा भी रिएक्शंस होते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक होती हैं। ये वाली रिएक्शंस है ज़्यादातर कंपाउंड में आपको इससे आसानी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, हमको किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर अगर प्रिपेयर करना है तो देखिए मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताऊँगा क्योंकि जो बुक्स में छुपी रहती हैं पता ही नहीं चलती हैं। और अब एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर में हमको कॉन्सेप्ट देखने हैं कि इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं तो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट आपका लगता है, एक तो आरहेनियस कॉन्सेप्ट है, एक आपका ब्रॉन्स्टेड लुइस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट और एक लुइस कॉन्सेप्ट। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने रहते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। आरहेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुइस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हम देखें तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, देखिए जब हम कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुक्स में पढ़ते हैं तो जैसे हम एक कंपाउंड एल्केन पे आए, एल्केन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, फिर हम एल्कीन पे गए, एल्कीन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, एल्काइन पे गए, एल्काइन की पढ़ ली। देयर शुड बी सम कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो कॉमन फैक्टर मैं आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि अब हम जाएंगे तो किसी कंपाउंड में गए तो उसमें हमें एसिडिक करेक्टर मिला, दूसरे में गए तो उसमें एसिडिक करेक्टर कहीं लिखा ही हुआ नहीं मिला, तीसरे पे गए तो हमें बेसिक करेक्टर मिला, चौथे पे गए तो हमें कोई करेक्टर लिखा हुआ नहीं मिला। तो एक कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में। तो बेटर है कि अगर हम इन आठों रिएक्शंस को एक एक मोटा मोटा आइडिया बताएं। मैं आपको बहुत शानदार तरीके बताने जा रहा हूँ, ऐसे तरीके जो आप जब बुक खोलोगे और पढ़ोगे तो आपको उन बुक से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन दोस्तों एक मैं आपको बड़ी राज की बात बताता हूँ कि जो बुक्स है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बुक से धीरे से उनके कान में मैं फुसफुसा के पूछता हूँ कि मेरी प्यारी बुक जरा मुझे इसके बारे में बताओ। और वो मुझे बताती है, वो आपको नहीं बताएगी, वो मुझे बताती है। वो क्या बताती है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा ये सब चीज़ें आपको कहीं मिलने वाली नहीं, कहीं भी मिलने वाली नहीं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें हमको ये देखना है कि एसिडिक करेक्टर में आते कौन कौन से हैं। तो जो एसिडिक करेक्टर में जो आने वाले कंपाउंड हैं, मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड एज एसिड अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो फिर से आपको वो जो टॉप टेन मैंने आपको बताया था तो आप उसी में वन बाई वन करके सोचिए। एल्केन में कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर एल्काइन में होता है। उसके लिए इतनी छोटी सी बात आप याद रखिए कि जो ये वाला हाइड्रोजन होता है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो ROH ये एसिडिक है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएं, RCOH, ये हमारा
एसिडिक हाइड्रोजन है। और उसके बाद अगर हम आएँ तो आर SO3H, ये सल्फोनिक एसिड है। तो मैंने एक सा एक सिंपल सा एक तरीका बनाया कि एसिड होने की जो कंडीशन है वो ये है। पहली कंडीशन है आपकी कि OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में एसिड जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो OH ग्रुप अगर किसी के अंदर है तो वो एक एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये दो अगर बातें आपने याद रख ली, OH और CH, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा H, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एसिड है और कौन से बेस है। आप कम से कम इसका एसिडिक करेक्टर का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है और मिलने वाली कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलने वाली है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। मैंने भी यूट्यूब पर जाके बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, वही किताब की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। और यहाँ पर मैं आपको अपना पुराना एक्सपीरियंस, इतने साल में जो मैंने काम किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो बातें आप याद रखिए, आपको आसानी से एसिड समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर अब हम बात करें, देखिए आप एक बात देखिएगा कि इसमें OH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है और इसमें भी OH ग्रुप है, ये एल्केन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक करेक्टर हुआ। जब हमारा एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट ये है एसिडिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मेटल्स। एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल से रिप्लेस होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आपने ये ले लिया, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइन है, और इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं NaNH2 से। इसके अलावा हमने आपका ले लिया ROH+Na, ले लिया RCOOH+NaOH, ले लिया RSO3H+KOH ले लिया। देखिएगा ध्यान से, जब अगर कोई चीज़ एसिड है तो उसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी और जो बनेंगे वो सॉल्ट बनेंगे। अब आप देख सकते हो इसमें ये हाइड्रोजन है, इसकी जगह पर Na आएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये आपका इधर आयनिक बनेगा। उसके बाद ये बना आपका RONA RCOONA एंड फाइनली RSOOO-K+। वेरी सिंपल टू लर्न दीज रिएक्शंस, वेरी सिंपल। अब आप देखिए, कोई भी अगर कंपाउंड पता चल गया हमको कि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्शन हम किसी कंपाउंड से करा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें सर्च करना है कि मेटल क्या है, मेटल क्या है, और एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर मेटल हमको लगाना है। ध्यान से देख लीजिए आप, ये मैंने जो जो मेन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो जो एसिडिक करेक्टर है वो सब आपके सामने पड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया एसिडिक करेक्टर, क्लियर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। आप जब ये 8 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ने में अलग से मज़ा आने लगेगा। पढ़िए, मज़ा लीजिए और फिर मुझे कमेंट करिए। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, बात करता हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, बेसिक करेक्टर की। तो देखिए, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर एसिडिक होते हैं। बेसिक के तौर पे बहुत कम कंपाउंड है, और एक कंपाउंड है जो ज़्यादा आपको जोर देता हुआ मिलेगा, तो वो आपके हैं अमाइंस। अमाइंस हैं और उनके अंदर हमें पता है कि इस तरीके से ये लोन पेयर इज़ द कॉज ऑफ बेसिक करेक्टर।
अब मान लीजिए कि हमने आपको एक अमाइन दिया, दिस इज़ RnH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, और अब हम इसकी रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जो इसको बेस प्रूव कर सके। तो उसके लिए हमने एक एसिड ले लिया, हमने HCl ले लिया। अब देखिए ये H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पीछे से चला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाने के लिए। आप ध्यान से देखिए RnH यहाँ पर प्लस आ गया और ये Cl माइनस बन गया, एंड दिस इज द सॉल्ट। ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ये आपका सॉल्ट। तो आपको एसिडिक कैरेक्टर को लेकर तो है कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट इन टर्म्स ऑफ बेसिक रिएक्शंस द मेन कंपाउंड इन योर सिलेबस इज अमाइन। तो अब आप अमाइन में फोकस करिए, अमाइन के बेसिक कैरेक्टर पर काम करिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ। अब मैं रिएक्शन नंबर थर्ड पे आता हूँ। रिएक्शन नंबर थर्ड जो है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर का एडिशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन विद वाटर। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरे सारे कंपाउंड 11 से 12 तक कवर कर रहा हूँ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब हुआ एडिशन विद H2। और इसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंपाउंड मेन आपको दिखाई देंगे, एक आपका होगा एल्कीन और एक आपका होगा एल्काइन, क्योंकि हाइड्रेशन का जो रिएक्शन है वो इन्हीं दोनों कंपाउंड में होता है। अब हम बात करें अगर सी डबल बॉन्ड सी, मान लीजिए ये हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसकी रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो इसके बाद क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर ये बॉन्ड एक ब्रेक होगा और आपको मिलेगा एक यहाँ पर H ऐड कर दीजिए, एक यहाँ पर OH ऐड कर दीजिए। ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक H यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा बन गया, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। और अगर हम एल्काइन की बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसमें जब हाइड्रेशन होता है तो एक प्रेजेंस की ज़रूरत होती है ये, और इसके बाद जब इसमें ऐड होगा तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। ये आपका इनॉल फॉर्म है और ये रीअरेंजमेंट होके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनॉल फॉर्म है, इन प्लस ऑल, इन माने डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, और ऑल का मतलब है उसी से OH अटैच्ड है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला H घूम के यहाँ आ जाता है और ये बन जाता है CH3 CHO। तो ये आपका देखिए हाइड्रेशन वाले जो रिएक्शंस हैं वो दो कैटेगरी में आपके आते हैं। मैं इसको थर्ड का ए कर लेता हूँ, ये हाइड्रेशन मैंने कर लिया और एक मैं इसमें पार्ट और जोड़ देता हूँ और वो पार्ट है हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये आपको टर्म फिर बाद में कंफ्यूज करेगा। तो हाइड्रेशन का तो मतलब होता है एडिशन विद वाटर, लेकिन हाइड्रोलिसिस का मतलब कुछ और है। जहाँ पर भी लिसिस आ जाए, LYSIS, तो अगर कहीं पर लिसिस टर्म आ रहा है लास्ट में तो उसका मतलब है समथिंग इज गोइंग टू बी ब्रोकन, कुछ ऐसी चीज़ है जो बॉन्ड कुछ टूटने जा रहा है। तो अब हम देखिए थर्ड के बी नंबर पे आते हैं और बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन हमेशा स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, तो अब मैं थर्ड के बी में आ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। कुछ ऐसा समझिए कि किसी भी कंपाउंड में एक वाटर मॉलिक्यूल को एक ईंटे की तरह उसको ज़ोर से फेंका, स्टोन की तरह उसको ज़ोर से हिट किया और स्टोन जाके उस बॉन्ड पे पड़ा और वो बॉन्ड भी टूट गया और स्टोन भी टूट गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा और वो जो कंपाउंड है वो भी टूट जाएगा। अब कौन कौन से कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं तो मैं वो आपको समझाता हूँ। आप जो इसमें कंपाउंड पॉसिबल है, एक आपका जैसे देखिए RX है, RX हाइड्रोलिसिस करता है, आप बड़े आराम से इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, थोड़ा सा एसिड या बेस कोई ले लीजिए, मान लीजिए हमने NaOH ले लिया और ये तुम्हारा बन जाएगा ROH प्लस HX। इसमें क्या हुआ कि ये कंपाउंड भी टूटा है और ये भी टूटा है, ये हमारा हाइड्रोलिसिस हुआ। तो हमारा हाइड्रोलिसिस किन किन कंपाउंड का हो सकता है? एक तो मैंने आपको RX बताया, उसके बाद हमारा एल्कोहल है, ईथर है, ईथर का हो सकता है,
ईथर का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, जैसे ईथर पे जाके हमने इसको अटैक किया H2O को, तो देखो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। R के साथ OH जुड़ गया, R-O के साथ H जुड़ गया, एंड वी ऑब्टेन ROH एंड R-OH। हमको ये एल्कोहल का मिक्सर मिल गया, तो ईथर भी हाइड्रोलाइज होता है। इसके अलावा हाइड्रोलाइज होने वाले कंपाउंड में अब आपका साइनाइड है, RCN है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये तो सब मामला 2 मोल H2O के लगते हैं, ये पूरा यहाँ से टूट जाता है और जो बनता है वो बनता है RCOOH और अमोनिया। बेटर टू लर्न दिस रिएक्शन, इसको आप याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रिएक्शन को। और एक ऐसे ही RNC है, ये कंपाउंड एकेडमिक लेवल पे तो ज़्यादा आते नहीं हैं, जैसे ये कंपाउंड है आपका, इसमें भी आपको 2 वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी आप लर्न कर लेना। पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और बनेगा RNH2 बनेगा और बनेगा फॉर्मिक एसिड। अब देखिए आपके सामने आपके सिलेबस के जितने कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो सकता है वो सारे के सारे आपके पास हैं, एल्काइल हैलाइड, ईथर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, इन्हीं का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, बाकी किसी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। तो ये अब आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं और बात करते हैं डिहाइड्रेशन का, हमेशा कन्फ्यूज़ करता है। और डिहाइड्रेशन टर्म तो हम लोग के लिए बड़ा कॉमन है, खासतौर से गर्मियों में सभी को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, पानी की कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है निकलना, रिमूवल। किसका रिमूवल? हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। तभी नंबर 4 पे अगर हम आएँ और बात करें डिहाइड्रेशन की, तो देखते हैं कि डिहाइड्रेशन किसका किसका हो सकता है। तो इसकी एक कंडीशन मैंने बना ली, किताबों में नहीं मिलती ये कंडीशन, लेकिन कंडीशन को मैंने बना लिया, आप देखिए क्या कंडीशन है। और उसकी कंडीशन वही है जो एसिडिक कैरेक्टर की है, यानी प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो डिहाइड्रेशन में इन्वॉल्व होगा। डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे कंपाउंड की विच आर कैपेबल टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, एंड दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में जो सबसे पॉपुलर है वो है कंसनट्रेटेड H2SO4। इसके अलावा हम Al2O3 भी लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड एलुमिना, इसको गर्म करके लिया जाता है एलुमिना। वी कैन यूज जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस एंड सम मोर, ये हमारे कुछ खास डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। इनकी प्रेजेंस में अगर हम कंपाउंड को हीट करते हैं तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन बड़ी सिंपल है, तो ये कौन कौन से कंपाउंड है हमारे कोर्स में जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो पहली बात दिमाग में आती है एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के अंदर ऑलरेडी OH ग्रुप है। तो एक आपका एल्कोहल हो गया, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो कंटेन्स OH ग्रुप। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर OH ग्रुप है, ROH हो गया, RCOOH हो गया और RSO3H हो गया। देखिए आपके ये तीनों कंपाउंड मैंने दिखा रहे हैं, इसका नाम आप बता सकते हो, इट इज़ एल्कोहल, इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज़ एल्काइल सल्फोनिक एसिड और एल्केन सल्फोनिक एसिड। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड कंटेन OH ग्रुप, सो दीज आर कैपेबल टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बात करें अगर हम ROH की, तो ROH में आपने पढ़ा ही हुआ है, अगर हम मान लीजिए इसको कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो एक इसमें ये OH निकल जाएगा अल्फा पोजिशन से, और बीटा पोजिशन से एक H निकल जाएगा OH और H, H2O निकला गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमको मिलेगी एल्कीन। ये तो इसका हो गया। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अगेन हमने कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करा दिया, एक यहाँ से OH निकला, यहाँ से एक H निकला। जब भी कोई ऑर्गेनिक में रिएक्शन कराया करिए तो स्ट्रक्चर बना के कराया करिए, थोड़ा सा शुरू में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन आगे चल के आपके लिए स्थिति बड़ी क्लियर हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए और रिएक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि याद किया नहीं जाता, हो जाता है। याद वाली चीज़ तो हो जाती है, अगर वर्किंग करते करते याद हो गई तो वो परमानेंट है, और बार बार आप भूल रहे हो तो मतलब वो समझे नहीं हो आप। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, OH और H हटा और ये C के साथ ये O की बॉन्डिंग होगी, देखिए ध्यान से, C के साथ O की बॉन्डिंग होगी। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर हम यहाँ से O को हटा दें, H को हटा दें,
और ये OH को हटा दें, दोनों को हटा दें, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो आपको नज़र आएगा कि इस कार्बन की वैलेंसी 2 और 1, 3 है, 4 होनी चाहिए, और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है, 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा और हमको मिल जाएगा एनहाइड्राइड। इतना सिंपल होता है। और अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, अभी क्या हुआ, एक OH यहाँ से आया, एक H यहाँ से आया, H2O इज रिमूव्ड और अब बनेगा RCO, और ये कंपाउंड है एनहाइड्राइड। तो इसमें एल्कीन मिला और इसमें हमको एनहाइड्राइड मिला। अच्छा, अगर हम SO3H को लेके चले, सल्फोनिक एसिड को लेके चले, तो हम उसका भी बड़े आराम से करा सकते हैं। देखिए ज़रा, ये हम RSO3H, थोड़ा वक्त लगेगा, आप प्रैक्टिस करिए। ये देखिए, दो मैंने ले लिए, कंसनट्रेटेड H2O4 के साथ हीट किया, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, H2O निकल गया। अब आप सोचिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अटैच्ड होगी, तो ये वाला O जो है इस वाले S से अटैच होगा और हमको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर हुआ O, ये देखिए, और ये जो हमारा मिल गया ये आपका एनहाइड्राइड हो गया, सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा हो गया आपका डिहाइड्रेशन का प्रोसेस। तीन कंपाउंड है विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन। अब हम आगे चलें, और आगे चलें तो अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, तो वैसे तो काफ़ी कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन RCOH का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बाकी करीब करीब ज़्यादातर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है, यूज़फुल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें ये होता है आपका एडिशन ऑफ O और रिमूवल ऑफ H और बोथ। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड यूजफुल डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप सिर्फ ये तीन बातों पे ध्यान रखिए, और बाकी ऑक्सीडेशन तो आपका एल्कीन का होता है। देखिए किनका किनका होता है, मैं प्रॉपर ऑक्सीडेशन जिनका जिनका होता है, वैसे तो एल्केन का भी होता है, लेकिन जो प्रॉपर होता है वो एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है, एल्कोहल का होता है, एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है, और ये जो आपके मेन कंपाउंड हैं इनके ऑक्सीडेशन होते हैं। होने को तो ईथर का भी होता है, होने को तो एल्केन का भी होता है, लगभग ज़्यादातर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका टिप आपकी यूज़फुल होगी ऑक्सीडेशन के लिए। इसके लिए हम लोग कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसमें कि K2Cr2O7 और KMnO4 काफ़ी ख़ास रिएजेंट्स होते हैं। रिडक्शन की बात करें हम, रिडक्शन जो है हमारा, इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ O और बोथ। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो एल्केन जो होता है उनका रिडक्शन नहीं होता है, उनका रिडक्शन नहीं होता है, बाकी लगभग हर कंपाउंड का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में लंबी लिस्ट है, हर टॉपिक में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस रूल को पकड़ के चले कि ये फंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अब हम लास्ट में दो पॉइंट पर आ गए, तो अब दो पॉइंट पर आने से पहले मैं आपसे एक जनरल बात पूछता हूँ कि वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप बुक में देखते हो कई तरह की रिएक्शंस की बात होती है, उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं,
लेकिन अगर कोई पूछे मेन दो टाइप की कौन सी रिएक्शंस हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे भाई भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारी बहनें भी होती हैं, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी वाइफ भी होती है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड एंड सो ऑन। लेकिन माता और पिता, मदर एंड फादर, ये हमारी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट दो लोग होते हैं मेरे हिसाब से। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो रिएक्शन मेन होती हैं, एडिशन होती है और सब्स्टिट्यूशन होती है। अब हम बात करेंगे कि एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन में आपको जानने की ज़रूरत है कि इसकी भी मुझे एक कंडीशन मैंने बनाई है, ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। इसकी एडिशन क्या है कि एडिशन रिएक्शन कौन देगा? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब है डबल हो या फिर ट्रिपल हो, विदाउट कॉन्जुगेशन, विदाउट कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल ऑक्टेट करके एक मेरा वीडियो है, तो आप उसको जाके सर्च करिए, ढूंढिए, उसको आपको मिलेगा। तो विदाउट कॉन्जुगेशन आप उसको पता करेंगे तो अगर होगा तो होगा। इसमें कौन से एग्जांपल आते हैं? एक तो आपका एल्कीन है, एक आपका एल्काइन है, एक आपका एल्डिहाइड है, एक आपका कीटोन है। ये चार आपके मेन हैं जिनकी ढेरों एडिशन रिएक्शन आपको पढ़नी होगी, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन। और आठवां, लास्ट एंड सर्टेनली नॉट द लीस्ट, In fact, this is the most common reaction in case of organic compound. Substitution reaction का एक बड़ा simple सा फंडा है कि if not addition, then substitution. अगर addition नहीं हो रहा है तो फिर substitution होगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद, इसको तैयार करने के बाद ऑर्गेनिक आपकी काफ़ी चेंज होने वाली है। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं आपको काफ़ी चेंज करूं, और जैसा बुक्स में उबाऊ तरीके से, बोरियत भरे तरीके से है, उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करूं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।